हेलो एंड वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर टुडे वी विल डिस्कस न्यूज़पेपर एनालिसिस डेटेड डेट ट्वेंटी सिक्स ऑफ अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एंड एक अनाउंसमेंट था नेक्स्ट मंथ न्यूज़पेपर एनालिसिस अनालिसिज अपलोड नहीं हो पाएगी तो मई के मंथ में न्यूज़पेपर एनालिसिस नहीं आएगी जून में उसके बाद आना स्टार्ट हो जाएगी तो फर्स्ट न्यूज़ इज सुप्रीम कोर्ट सेज रेस्लर्स चार्जेस अगेंस्ट डब्ल्यू एफ आई चीफ सीरियस इशूज़ नोटिस टू डेली कॉप्स तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू किया है क्या नोटिस इशू किया है कि यहाँ पर जो रेस्लर कह रहे हैं कि एफ को रजिस्टर किया जाए तो एफ को रजिस्टर किया जाए अगेंस्ट ब्रिज भूषण शरण सिंह अगर पुलिस यहाँ पर एफआईआर ना रजिस्टर करे तो क्या पुलिस को प्रोजीक्यूट किया जा सकता है तो अगर पुलिस एफआईआर ना रजिस्टर करे तो पुलिस को प्रोजीक्यूट किया जा सकता है ऐसा होता है और इसके लिए है आईपीसी का सेक्शन 166 ए जो कि यह कहता है कि अगर पुलिस पर्सनल एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहा है तो उसको भी प्रोजीक्यूट किया जा सकता है तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने अपने जूरिस्ट को एक्सरसाइज़ किया है अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड यहाँ पर दिल्ली पुलिस को ये कहा गया है कि आप यहाँ पर एफ रजिस्टर करो आउट ऑफ़ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर फॉल्स गवर्नमेंट शेयर राइजेस तो आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये कम हुआ है एंड जो गवर्नमेंट का शेयर है हेल्थ एक्सपेंडिचर में लगातार इंक्रीज हुआ है जो कि एक अच्छी बात है तो वाइल देयर हैज़ बीन अ कंसिस्टेंट डिक्लाइन इन आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर एज अ शेयर ऑफ द टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर द गवर्नमेंट शेयर हैज़ हैजस्टडली इनक्रीज अकॉर्डिंग टू द डेटा द गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर एज अ शेयर ऑफ द टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर ये ट्वेंटी नाइन परसेंट दो हज़ार चौदह पंद्रह में था अभी दो हज़ार उन्नीस बीस के डेटा के अकॉर्डिंग ये फोर्टी वन पॉइंट फोर परसेंट हो चुका है और जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है ये सिक्सटी टू पॉइंट सिक्स परसेंट से कम होकर फोर्टी सेवन पॉइंट वन परसेंट हो चुका है जो कि अच्छी बात है क्योंकि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की वजह से जो कि इतना ज़्यादा था जिसकी वजह से अगर एक बार भी यहाँ पर कुछ हेल्थ क्राइसिस आती थी तो लोग यहाँ पर बीपीएल में चले जाते थे तो ऐसा ना हो उसके लिए जरूरी है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यहाँ पर बढ़े जो कि बढ़ा भी है तो ओवरऑल द गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर इंक्रीज फ्रॉम 1.13 परसेंट ऑफ द जीडीपी टू 1.35 परसेंट और टारगेट ये है कि इसको टू ऑफ द जी करना है दो तक जो मेजोरिटी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हुआ है ये प्राइमरी केयर सेंटर्स में हुआ है जो इन्वेस्टमेंट है प्राइमरी सेक्टर में ये इंक्रीज़ होकर फिफ्टी वन परसेंट से फिफ्टी सिक्स परसेंट हो चुका है एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सिक्योरिटी स्कीम ये भी इस पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है फाइव से नाइन हो चुका है इस पीरियड के दौरान अब हम चलते हैं आगे आप यहाँ पर देख सकते हो कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है यहाँ पर डेली जो चीफ मिनिस्टर है उनका जो हाउस है उसका रेनोवेशन होगा जिसमें पैंतालीस करोड़ रुपए का खर्चा आएगा कुछ ये सब लिखा हुआ है जो कि आपकी एग्जाम्पल बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है कि यहाँ पर रेनोवेशन हो रहा है उसमें कितना पैसे का खर्चा हो रहा है होना चाहिए नहीं होना चाहिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है तो ये हम डिस्कस नहीं करेंगे कोटा ऑर्डर ऑन होल्ड कर्नाटका टेल्स सुप्रीम कोर्ट बैकवर्ड मुस्लिम्स नॉट हिट तो बेसिकली कर्नाटका में क्या हुआ है कर्नाटका में चार परसेंट मुस्लिम्स को रिजर्वेशन दिया जाता था लेकिन जो चार परसेंट रिजर्वेशन मुस्लिम को दिया गया था इसको यहाँ पर रिमूव कर दिया गया है एंड ये जो चार परसेंट का कोटा है ये और जो वो का लिगाज है उनमें डिवाइड कर दिया जाएगा अब यहाँ पर जब रिजर्वेशन को हटाया गया तो कुछ पटिशनर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट गए सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर जो कर्नाटका गवर्नमेंट है उसका यह स्टैंड है कि रिलीजन के बेसिस पर रिजर्वेशन देना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो रीट्रेटिंग दैट रिजर्वेशन बेस्ड सोलली ऑन रिलीजन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल द कर्नाटका गवर्नमेंट ऑन ट्यूजडे टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट दैट इट इज़ ओनली द कोटा प्रोवाइडेड टू द कम्युनिटी एज अ होल विच ऑन द सोल बेसिस ऑफ रिलीजन दैट हैज़ बीन डन अवे विद द मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज विद इन द मुस्लिम कम्युनिटी कंटिन्यू टू इन्जॉय द बेनिफिट नेक्स्ट हम चलते हैं आगे यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हम पहले भी देख चुके हैं यहाँ पर जो न्यूज़ दी गई है ये इम्पोर्टेंट नहीं है बाकी आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो टॉपिक है ये आपको प्रिपेयर करना है लॉ कमीशन की क्या रिकमेंडेशन है ये भी आपको प्रिपेयर करनी है इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं आप देख सकते हो अब हम चलते हैं आगे यूके एजेंसी बिहाइंड वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग चेंजेस क्राइटेरिया टू मेक आई आई टीज़ बॉयकॉट तो बेसिकली एक रैंकिंग आती है जिसका नाम है टाइम्स हायर एजुकेशन मैगजीन जो कि यहाँ पर यू बेस्ड है जो कि टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग को निकालता है आई ने इस रैंकिंग से विद्रॉ कर लिया था उनका ये कहना था कि इस रैंकिंग में यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो अभी यू एजेंसी का ये कहना है कि अभी हम क्राइटेरिया को चेंज करेंगे ट्रांसपेरेंसी को लाएंगे ठीक है नेक्स्ट है इट्स क्रिमिनल अब क्या क्रिमिनल है तो बेसिकली एक आई ऑफिसर थे जो कि तीस साल के थे और नाइनटीन में एक पर्सन था जो कि पहले माफिया था गैंगस्टर था बाद में वो पॉलिटिशियन बन जाता है और उसने इस आई ऑफिसर के जो यहाँ पर किलिंग है उसको अबेट किया था तो इस पर्सन को यहाँ पर डेथ पेनल्टी मिली थी बाद में उसको लाइफ टाइम इम्प्रजनमेंट किया गया और अभी बिहार गवर्नमेंट ने क्या किया बिहार गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल अपीजमेंट के लिए अपने बिहार पुलिस जेल मैनुअल को चेंज किया और इस पर्सन को रेमिशन प्रोवाइड कर दिया तो ये यहाँ पर पूरा इशू है जिसकी वजह से यहाँ पर आर्टिकल लिखा गया है कि ये सब कुछ क्रिमिनल है आप सिर्फ यहाँ पर कुछ वोट के लिए किसी एक पर्सन को रमेशन के ऊपर क्यों छोड़ रहे हो तो आनंद मोहन सिंह अ गैंगस्टर टर्न पॉलिटिशियन हु हुआ सर्विंग लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर द मर्डर ऑफ ए यंग दलित आई एस ऑफिसर वर्क फ्री फ्रॉम अ बिहार जेल ट्यूजडे और इनका जो लाइफ सेंटेंस था उसको यहाँ पर रमिशन कर दिया गया है जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने किया स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पर बिहार पुलिस जेल मैनुअल दो को चेंज किया सो so दैट इस पर्सन को यहाँ पर रमेशन के ऊपर छोड़ा जा सके क्यों ऐसा किया गया है क्योंकि यहाँ पर राजपूत के वोट चाहिए थे और इस पर्सन की इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है और ये एक राजपूत लीडर है तो ये सब कुछ हमें जाने की ज़रूरत नहीं बस ये जो इशू है ये बहुत ज्यादा न्यूज़ में है क्योंकि फर्स्ट पेज पर भी आया था वहाँ पर हमने डिस्कस नहीं किया क्योंकि यहाँ पर हमको डिस्कस करना ही था नेक्स्ट द पार्टिसन काउंसिल तो यहाँ पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया की बात की गई सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है ये एक स्टार्टुटरी बॉडी है कौन से एक्ट के अंदर एडवोकेट्स एक्ट के अंदर ये एक स्टार्टुटरी बॉडी है अभी ऑथर ने यहाँ पर बार काउंसिल को क्रिटिसाइज़ क्यों किया है और इसको पार्टिसन काउंसिल क्यों कह रहा है ऑथर तो इसका रीज़न ये है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक रिजोल्यूशन पास किया और रिजोल्यूशन में सुप्रीम कोर्ट को ये लोग ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पर सेम सेक्स मैरिज का इशू है इसको आप पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दो इसको आप गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दो तो ऑथर का ये कहना है कि सेंटर भी यही कह रहा था कि जो सेम सेक्स मैरिज का इशू है इसको आप पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दो और बार काउंसिल भी यही कह रही है अप्रैल 24 मार्क द फिफ्टीथ एनिवर्सरी ऑफ द केशवानंद भारती केस जिसमें यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर ऑक्शीन दी गई थी फिर यहाँ पर एक ये बात कही जाती है कि जो जजेस होते हैं ये तो अनइलेक्टेड होते हैं और जो पार्लियामेंट है ये विल ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंट करती है तो अगर कोई भी यहाँ पर सोशल रिफॉर्म होना है तो ये पार्लियामेंट के थ्रू होना चाहिए ना कि जजेस के थ्रू होना चाहिए क्योंकि जजेस तो यहाँ पर अनइलेक्टेड होते हैं तो ऑथर का सबसे पहला क्वेश्चन है क्या पार्लियामेंट सच में विल ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंट करती है क्योंकि इंडिया में जो सिस्टम है ये है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर किसी पर्सन को थर्टी फोर वोट्स मिले हैं किसी दूसरे पर्सन को पच्चीस वोट मिले हैं किसी को चौबीस वोट मिले हैं तो थर्टी फोर पर्सेंट वाला यहाँ पर जीत जाएगा लेकिन वो मेजॉरिटी को तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है क्योंकि उसे तो सिर्फ यहाँ पर चौतीस लोगों ने ही वोट दिया है ना तो इट मस्ट बी नोटेड एट द आउट सेट दैट नॉट एवरी डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड हैज़ द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो कि इंडिया में है सेवरल डेमोक्रेसीज जहाँ पर प्रोपोर्शनेट रेप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट है तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि विल ऑफ़ द पीपल है लेकिन एक्चुअली इंडिया में क्या पॉपुलर विल है क्या मेजोरिटी विल है और दूसरी बात जो यहाँ पर विल ऑफ़ द पीपल की बात की जा रही है जब ये नेता यहाँ पर दूसरी जगह डिफेक्ट करते हैं दूसरी पार्टी में डिफेक्ट करते हैं पावर में आने के लिए तब विल ऑफ द पीपल कहाँ चला जाता है तो दूसरी बात यही कही गई है इन फैक्ट फार from रिफ्लेक्टिंग द विल ऑफ द पीपल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर डिफेक्ट करते हैं क्योंकि इनको पॉलिटिकल पावर चाहिए होती है वन इज लेफ्ट वंडर तब क्या होता है यहाँ पर विल ऑफ़ द पीपल का हु इलेक्टेड दैम एज मेम्बर्स ऑफ पर्टिकुलर पार्टी एट द टाइम ऑफ इट्स the द ड्राफ्ट ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट a triumph ऑफ majoritarian ideology. तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर जजेस की बात करें तो जजेस यहां पर लोगों को क्या पसंद है उसके अकॉर्डिंग जजमेंट नहीं देते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अकॉर्डिंग क्या सही है उसके बेसिस पर जजमेंट देते हैं तो ये जो कहा जाता है कि यहां पर आप पल्स ऑफ द पीपल नहीं समझ रहे हो कि लोग अभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं सेम सेक्स मैरिज को तो जजेस इस बेसिस के ऊपर तो जजमेंट देते ही नहीं है वो तो इस बेसिस के ऊपर देते हैं कि क्या सही है क्या किसके फंडामेंटल राइट्स है तो फंडामेंटल राइट्स के बेसिस के ऊपर वो जजमेंट दे रहे हैं तो पल्स ऑफ द पीपल समझने की उनको जरूरत ही नहीं है उनको ये देखने की जरूरत है कि क्या सही है क्या गलत है क्या इनको राइट्स मिलने चाहिए तो उनको राइट्स दिए जाएंगे तो वन ऑफ द ट लॉजिकल फ्लॉ इन दिस आर्ग्यूमेंट इटन ऑफ अ मैरिज टू डिफेंड अ कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज टू द डेफिनेशन ऑफ मैरिज और बाकी यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर ऑपोजिट सेक्स कपल्स होंगे तो सिर्फ यही प्रो क्रिएट कर सकते हैं और अगर प्रो क्रिएशन नहीं होगा तो इसको मैरिज नहीं कंसिडर करेंगे तो ऑथर का ये कहना है ये जो आपका आर्ग्यूमेंट है ये भी अगर इंडियन लॉ की बात करें तो मैरिज इज नॉट लिमिटेड टू ओनली दोज कपल्स जो कि प्रो कर सकते हैं या तो इंटेंट टू प्रो क्रिएट हैं बहुत सारे यहाँ पर कपल्स होते हैं जो कि नहीं चाहते हैं प्रो करना तो हाइपोथेटिकली इफ कपल्स हैड टू हैो फर्टिलिटी टेस्ट किए ये क्रिएट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं तब तो बेसिकली यहाँ पर प्रोवेशी जो है इसका ही वायलेशन हो जाएगा तो हाइपोथेटिकली इफ कपल्स हैड टू हैो फर्टिलिटी टेस्ट बिफोर मैरिज और एज अ प्री कंडीशन टू अ लीगली वैलिड मैरिज दिस वुड डायरेक्टली इन्फ्रेंच अपॉन द कॉन्टीट्यूशनली गारंटेड राइट्स टू प्रोवेसी डिसीजनल ऑटोनमी एंड डिग्निटी तो फाइनली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बी सी आई ऐसा कर क्यों रहा है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऐसा कर क्यों रहा है तो ऑथर का ये कहना है कि बेसिकली जो रूलिंग पार्टी का हिंदुत्व एजेंडा है ये हमें लीगल प्रोफेशन में भी दिख रहा है तो हो सकता है कि आप इस बात से डिसग्री करते हो और आपको ये लगे कि मेरी जो आइडियोलॉजी है लेफ़्टिस्ट है या राइटिस्ट है जैसे कि यहाँ पर कॉमेंट्स आते हैं तो जो ऑथर ने कहा है वही मैंने आपको बताया है

इशू है इसको आप पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दो सोशल रिफॉर्म्स यहाँ पर पार्लियामेंट के थ्रू आने चाहिए क्योंकि जो पार्लियामेंट है ये विल ऑफ द मेजोरिटी को रिप्रेजेंट करता है नेक्स्ट है ऑन द मैट ये हम डिस्कस नहीं करेंगे बेसिकली जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह की बात चल रही है जो कि कई बार इस इशू को डिस्कस कर चुके हैं सेल्फ रिलायंस इज द की ये हम डिस्कस नहीं करेंगे ये क्या है तो इंडियन एक्सप्रेस बेसिकली एक कॉलम चलाता है कि इंडिया सेवेंटी फाइव लुकिंग एट हंड्रेड तो आप क्या चाहते हो कि जब यहाँ पर सौ साल आजादी के हो जाए तब इंडिया कैसा होना चाहिए तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए इन नहीं होना चाहिए ऐसा यहाँ पर ऑथर का कहना है इंडिया एंड द एस सी ओ पैराडॉक्स ये हम डिस्कस करेंगे तो एस सी ओ की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है और अभी डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग होने वाली है जिसमें चाइना के डिफेंस मिनिस्टर आएंगे रशिया के डिफेंस मिनिस्टर आएंगे क्योंकि चाइना और रशिया दोनों ही मेंबर्स हैं सी के तो विजिट ऑफ चाइनीज एंड रशियन डिफेंस मिनिस्टर टू अटेंड अ मिनिस्टोरियलियलियलियलियल मीटिंग ऑफ द शां कऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन दिस वीक इन डेडी इज ड्राइंग मच अटेंशन तो ये एक यूरोशियन रीजनल फोरम है और बहुत सारे बायोलेचरल प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करना है फॉर एग्जाम्पल चाइना जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में ट्रांस्रेशन करता रहता है चाइना यहाँ पर ईस्टर्न सेक्टर में ट्रांसग्रेशन करता है चाइना यहाँ पर वेस्टर्न सेक्टर में ट्रांसक्रेशन करता है तो चाइना हाँ, तो से इस बारे में बात की जाएगी रशिया से किस बारे में बात की जाएगी तो रशिया अभी यूक्रेन के साथ वॉर में एंगेज है तो क्या रशिया हमें वेपन सप्लाई कर पाएगा रशिया के हमें मिलिट्री पार्ट सप्लाई कर पाएगा उसके बारे में यहाँ पर रशिया से बात की जाएगी तो जब मैंने कहा कि रशिया से इस बारे में बात की जाएगी चाइना से इस बारे में बात की जाएगी तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि एस सी एज अ ग्रुपिंग जो इनकी प्रॉब्लम्स है उसको कब डिस्कस किया जाएगा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है उनकी क्या प्रॉब्लम है बट वॉट अबाउट द ब्रॉडर जियो पोलिटिकल इवोल्यूशन ऑफ एस सी यू दैट बीजिंग एंड मॉस्को जॉइंटली फाउंडेड एंड नोचर्ड ओवर द पास्ट थ्री डेकेट्स दैट टेक्स अस टू द एस सी ओ पैराडॉक्स तो अगर हम देखें तो जो रीजनल स्टेट्स हैं इनकी अट्रैक्टिवनेस तो इंक्रीज हुई है लेकिन यहाँ पर जो इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन है ये भी बहुत ज़्यादा हैं और इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर एक शेडो कास्ट कर रहे हैं ओवर इट्स स्ट्रेटिक कोहरेंस फिर यहाँ पर ये यह बताया गया है कि जो रशिया का वॉर है यूक्रेन में इज़ रेजिंग क्वेश्चन क्या मॉस्को की कैपेसिटी है कि मॉस्को प्राइमेसी को सस्टेन कर सकता है अपने बैकयार्ड में तो कौन से बैकयार्ड की बात की जा रही है यहाँ पर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की बात की जा रही है क्या सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में जो अभी तक मॉस्को की इन्फ्लुएंस रही है मॉस्को इसको मेंटेन कर पाएगा हमको दिखेगा इन में फिर यहाँ पर नेटो और एसयू को कंपेयर किया गया है तो नेटो की बात करें तो बहुत सारे कंट्रीज हैं जो कि लाइन में लगे हैं और वो नेटो के मेंबर बनना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि यूक्रेन यहाँ पर नेटो का मेंबर बनना चाहता है तो मेनी कंट्रीज इन सेंट्रल यूरोप इंक्लूडिंग यूक्रेन ये फिनलैंड को फॉलो करना चाहता है स्वीडन को फॉलो करना चाहते हैं और ये नेटो में ज्वाइन होना चाहते हैं सिमिलरली एस में भी बहुत सारे कंट्रीज़ ज्वाइन होना चाहते हैं ईरान इस साल एस का फुल मेंबर बन जाएगा फिर हो सकता है कि इसके बाद अफगानिस्तान भी बढ़ने की कोशिश करें बेलारूस भी करना चाहे मंगोलिया भी करना चाहे ये जो मैंने आपको अफगानिस्तान बेलारूस मंगोलिया की बात बताई है ये तीनों हैं एस सी ओ के तो अभी ये ऑब्जर्वर हैं अभी ये मेंबर नहीं बने हैं तो अभी आठ मेंबर्स हैं चाइना इंडिया कजाकिस्तान किर्गिस्तान पाकिस्तान रशिया उजबेकिस्तान तजिकिस्तान और ईरान ज्वाइन कर लेकर एस सी को और हो सकता है कि उसके बाद यहाँ पर अफगानिस्तान बेलारूस मंगोलिया ये भी यहाँ पर ज्वाइन करने की कोशिश करें एस को फिर यहाँ पर एस के डायलॉग पार्टनर्स हैं जैसे कि अजहरबाइजान अर्मीनिया इजिप्ट कतर टर्की सऊदी अरेबिया एंड द यू ए ई फ्राम द मिडिल्स्ट एंड मॉल्डीवस नेपाल एंड श्रीलंका फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट और हो सकता है कि ये सारे कंट्रीज भी बाद में यहाँ पर एस को ज्वाइन करने की कोशिश करें तो अनलाइक नेटो एस सी यू यहाँ पर इंक्लूसिव है और ये नॉन वेस्टर्न सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन की अट्रैक्टिवनेस को दर्शाता है टर्की जो कि नेटो का मेंबर है ये भी यहाँ पर एस सी ओ का मेम्बर बनना चाहता है फिर अगर हम यहाँ पर बात करें तो एस सी यू इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो कैसे गया तो दिस इज़ नॉट सरप्राइजिंग गिवन द अजेंट नीड टू कोप विद द ड्रामेटिक राइज ऑफ वायलेंट रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म जो कि हमको देखने को मिल रहा है प्रिवेंटिंग कन्फ्लिक्ट विद इन एंड बिटवीन द मेंबर स्टेट्स एंड एसोसिएट्स ये हायर प्रायरिटी होनी चाहिए एस सी ओ के लिए अगर हम बात करें तो कजाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा था तो ये जो प्रोटेस्ट हैं इनको खत्म करने के लिए एस नहीं आया रेस्क्यू के लिए यहाँ पर आया था रशिया तो रशियन आर्मी ने यहाँ पर इंटरवीन किया जिसके बाद यहाँ पर सिचुएशन जो है वो स्टेबलाइज हो पाई थी तो रशिया हमें सेंट्रल एशियन रिजीम का प्रोटेक्टर दिख रहा है लेकिन रशिया एक्चुअली प्रेडेटर भी है तो रशियन लीडर्स जो है वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स को आर्टिफिशियल नेशन मानते हैं कि ये तो ये रशिया के सेटेलाइट स्टेट हैं टू तो बी श्योर रशिया जो है ये सेंट्रल एशियन स्टेट सिस्टम में बहुत ज़्यादा इंट्रेंसड है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइज हैं इसके लोकल एलिट्स के साथ सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट के साथ तो अगर हम बात करें जो रशिया की प्राइमेसी है क्या खत्म हो जाएगी और चाइना अपनी प्राइमेसी बना लेगा तो ऑथर का ये कहना है कि चाइना अपनी प्राइमेसी बनाए सेंट्रल एशियन कंट्रीज में सेंट्रल एशियन रीजन में उसका हमको कोई रीजन नहीं दिखता है अ थर्ड आर्ग्यूमेंट एग्रीज दैट चाइना हैज़ नो रीजन टू रिप्लेस मॉस्को एज द मेन पावर इन सेंट्रल एशिया इन द नियर टर्म क्योंकि चाइना के जो एम्बिशंस है हमें नहीं लगता उसके एम्बिशंस के लिए सेंट्रल एशियन रीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया इन सब इंडिया को क्या करना चाहिए तो इंडिया के लिए तो सबसे अच्छा यही रहेगा कि रशिया जो है ये इंडिपेंडेंट रहे रशिया चाइना का जूनियर पार्टनर बन जाए तो डेलीज इंगेजमेंट विद यू ऑल दीज डेकेट्स वॉज प्रेमाइज कि यहाँ पर रशिया की प्राइमेसी रहे रीजन में और जो मॉस्को है ये सपोर्ट प्रोवाइड करता रहे इंडिया के रीजनल इंटरेस्ट में इसके लिए यहां पर रशिया को इंडिपेंडेंट रहना बहुत जरूरी है रशिया यहां पर चाइना का जूनियर पार्टनर ना बन जाए ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते वो रशिया के स्ट्रेटेजिक चॉइसज हैं कि रशिया यहां पर खुद को और कितना आइसोलेट करेगा वेस्ट से अगर रशिया यहाँ पर वेस्ट से खुद को बहुत ज़्यादा आइसोलेट करेगा तो रशिया की ओवर डिपेंडेंस हो जाएगी चाइना के ऊपर और रशिया जो है वो एक्चुअली यहाँ पर जूनियर पार्टनर ही बन जाएगा चाइना का तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते तो हमको क्या करने की जरूरत है तो हमको सिर्फ अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है तो डेली बॉर्डन इन एस यू मस्ट नाउ बी एबल टू प्रोटेक्ट इट्स ओन इंटरेस्ट अ रेपिडली

ट्रंप तो बेसिकली यहाँ पर जो बाइडन है वो री इलेक्शन के लिए खड़े होंगे उनका ये कहना है नेक्स्ट ऑपरेशन कावेरी तो सूडान से जो हमारे लोग फंसे हैं जो हक्की पिक्की ट्राइब फंसी हुई है सूडान में उसको निकालने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है ऑपरेशन कावेरी तो आपको सारे ऑपरेशन पता होने चाहिए ऑपरेशन राहत ऑपरेशन सुकून ऑपरेशन सेफ कमिंग ऑपरेशन देवी शक्ति ऑपरेशन गंगा इसके अलावा ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया गया था कोविड के दौरान ऑपरेशन वंदे भारत लॉन्च किया गया था तो ये सारे ऑपरेशन कब लॉन्च किए गए थे किसके लिए लॉन्च किए गए थे ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए एक ऑपरेशन सुकून भी है तो वो भी पता होना चाहिए फिर यहाँ पर सूडान की कैपिटल बताई गई है जो कि खरतू में आपको सूडान की लोकेशन देखनी है सूडान के आसपास के जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ है एरित्रिया इथोपिया ये सारे देखने इजिप्ट चार्ड सब कुछ आपको पता होना चाहिए नहीं पता तो एक बार देख लेना आगे हम चलते हैं रीन्यूड प्रोटेस्ट बाई रेस्टर्स एंड सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर क्यों स्टेप इन करने की जरूरत पड़ी बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है क्वांटम कंप्यूटर्स एंड इंडिया तो ये आर्टिकल क्यों लिखा गया है ये आर्टिकल इसीलिए लिखा गया है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने क्वांटम मिशन को लॉन्च किया है तो ये बताया गया है क्वांटम कंप्यूटर्स के यहाँ पर क्या यूजेज हैं और क्वांटम कंप्यूटर्स क्यों ज़रूरी हैं तो इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक नेशनल मिशन बनाया है छः हज़ार करोड़ का नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इसका ऑब्जेक्टिव यह है कि क्वांटम कंप्यूटर्स इंडिया में बनाने हैं तो क्वांटम कंप्यूटर बेसिकली कोई फास्ट कंप्यूटर नहीं है ये उससे भी कई ज़्यादा है अभी फास्ट कंप्यूटर नहीं है उससे भी कई ज़्यादा इसका क्या मीनिंग है वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे अभी हम एक दो कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे कि क्वांटम इंटेंगलमेंट क्या होता है क्वांटम सुपर पोजिशन क्या होता है तो क्वांटम कंप्यूटर्स आर नॉट जस्ट द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ़ फास्टर एंड मोर एफिशिएंट कंप्यूटर्स अगर हम कन्वेंशनल कंप्यूटर्स की बात करें तो ज़्यादा पावरफुल होते हैं इनकी ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है और ये टास्क को थोड़ा जल्दी परफॉर्म कर सकते हैं क्वांटम कंप्यूटर्स फंडामेंटली डिफरेंट होते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पर फ़र्स्ट फ्लोर पर जाना है या तो सेकेंड फ्लोर पर जाना है तो आप यहाँ पर स्टेट्स का यूज़ करोगे अगर पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्दी है तो वो जल्दी यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर या सेकेंड फ्लोर पर चला जाएगा आप ये सोचो कि ऑल टुगेदर आपने सब कुछ चेंज कर दिया और आप यहाँ पर एलिवेटर का यूज़ करने लग गए तो क्वांटम कंप्यूटर में हमें ये ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा तो कन्वेंशनल कंप्यूटर्स व्हेन दे आर मोर पावरफुल एंड हैव मच हायर कैपेबिलिटीज बिकम सुपर कंप्यूटर्स बट दीज परफॉर्म देयर टास्क इन द सेम वे एज द नॉर्मल होम कंप्यूटर्स और मोबाइल फोन्स डू क्वांटम कंप्यूटर्स आर फंडामेंटली डिफरेंट इन द वे जिस तरीके से ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं फॉर एग्जाम्पल जो कन्वेंशनल कंप्यूटर है ये जीरो यान इसमें इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और एक टाइम में जीरो ही हो सकता है

तो क्वांटम प्रॉपर्टीज की बात करें तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है जो कि आपको पता होनी चाहिए एक है क्वांटम सुपरपोजिशन और दूसरी है क्वांटम इंटेंगलमेंट क्वांटम इंटेंगलमेंट का मतलब यह है कि जो दो पार्टिकल्स हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं तो अगर एक पार्टिकल में चेंज होगा तो दूसरे पार्टिकल में भी चेंज होगा तो स्मॉल पार्टिकल्स द साइज ऑफ एटम्स और इट्स कॉन्सिट्वेंट्स लाइक प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एग्जिबिट अ नंबर ऑफ स्ट्रेंज प्रॉपर्टीज दैट गो एंटायरली अगेंस्ट आर एवरीडे एक्सपीरियंसेस फॉर एग्जांपल दीज पार्टिकल्स मल्टीपल लोकेशंस पे एग्जिस्ट कर सकते हैं सेम टाइम पर इसको कहते हैं सुपरपोजिशन द मूवमेंट दे आर ऑब्जर्व एट वन प्लेस दिस सीज टू एग्जिस्ट एट ऑल अदर प्लेसेस और दूसरी यहाँ पर प्रॉपर्टी जो है वो है इंटेंगलमेंट इसका मतलब ये है कि जो एक पार्टिकल में अगर आप चेंज करोगे तो दूसरे पार्टिकल में यहाँ पर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा भले ही वो यहाँ पर लार्जर डिस्टेंस से ही सेपरेट क्यों ना हो फिर यहाँ पर बात की गई कन्वेंशनल कंप्यूटर्स की तो कन्वेंशनल कंप्यूटर्स यहाँ पर स्टोर करता है और इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है बिट्स में अब बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा जो कि यहाँ पर कंप्यूटर्स हैंडल कर सकते हैं और ये दो में से एक वैल्यू को ही एक बार में ले सकता है लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं ये क्यूबिट्स में प्रोसेसिंग करते हैं और एक साथ यहाँ पर जीरो और वन साइमल्टेनियसली हो सकता है और साथ साथ यहाँ पर जीरो 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 वन वन जीरो वन वन ये सब कुछ भी साइमल्टेनियसली हो सकता है तो उसका मतलब ये है कि ये जल्दी आपको आंसर दे देगा लेकिन यहाँ पर एरर होने के भी चांसेज हैं तो बात यह है कि आप जो यहाँ पर क्वांटम कंप्यूटर बनाओ उसमें यहाँ पर एरर के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा कम हो अब एरर के चांसेस क्यों हैं उसका भी यहाँ पर रीजन बताया गया है तो सबसे पहले क्वांटम कंप्यूटर की बात करें तो इसके लिए बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर की जरूरत होती, की होती है आइसोलेशन की जरूरत होती है लेकिन सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ एरर है क्योंकि यहाँ पर पैरल प्रोसेसिंग हो रही है कि जीरो 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 वन वन जीरो वन वन सब कुछ एक साथ है तो हो सकता है जिसकी वजह से एक डिफरेंट रिजल्ट आ जाए और उसमें से सिर्फ एक ही करेक्ट या डिजायरेबल हो तो जरूरत यह है कि उस करेक्ट या डिजायरेबल रिजल्ट को ढूंढना तो मिशन के इंडिया में तो मिशन यही है छह हज़ार करोड़ का यहाँ पर

तो ये दो बार जीरो डे कब होते हैं और जीरो डे कहाँ पर हो सकते हैं तो फॉर एवरी पॉइंट ऑन अर्थ बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन दो जीरो डे होते हैं द तो जीरो डे इज रेस्ट्रिक्टेड टू लोकेशन जो कि ट्रॉपिक्स में उसका मतलब यह है कि अगर हम रांची के नॉर्थ में देखें तो वहाँ पर आपको जीरो डे नहीं मिलेगा तो एक उत्तरायण के दौरान होता है और एक यहाँ पर दक्षिणायन के दौरान होता है उत्तरायण की बात करें तो सन यहाँ पर नॉर्थवर्ड मूव करता है एंड दक्षिणायन में सन यहाँ पर साउथवर्ड मूव करता है तो उत्तरायण मूवमेंट ऑफ द सन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ फ्रॉम विंटर सॉलिस्टस टू समर सॉलिस्टस एंड दक्षिण आयन जब यहाँ पर अर्थ का रोटेशन एक्सिस इस रिलेटेड एट एन एंगल ऑफ रफली ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव डिग्री टू द एक्सेस ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन और यह सब आप, आपने पढ़ा होगा कि विंटर सॉलिस्टस क्या होता है समर सॉलिस्टिस क्या होता है इक्वनॉक्स क्या होता है और यहाँ पर जीरो शेडोडे क्या होता है यह सब कुछ आपने जोग्राफी में पढ़ा होगा बस यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है बस थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि जीरो शेडोडे बेसिकली यहाँ पर कोई भी शेडू नहीं बन रही क्योंकि जो सन है वो अपने जहन पर है और ऐसा साल में दो बार होता है कब होता है और कहाँ पर होता है ये पता होना चाहिए अब हम चलते हैं आगे इंडियाज़ फर्स्ट वाटर मेट्रो ग्रीन क्लीन बोट्स टू फीड कोचीज मेट्रो रेल तो कहाँ पर है पहली वाटर मेट्रो सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर डेडिकेट की है नेशन को द कोची वाटर मेट्रो अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कंप्यूटर सर्विस दैट इज पार्ट ऑफ द सिटीज़ इंटेग्रेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इकोनॉमी पेज पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं आप देख सकते हो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यहाँ पर क्या क्या रिस्क हैं तो एलिनो रिस्क है, तो है क्योंकि इसकी वजह से ड्रॉट आ सकता है तो ये यह सारे यहाँ पर कुछ रिस्क हैं फिर डब्ल्यू पैनल की जो रूलिंग आई थी आई टी टे को लेकर और इंडिया ने ये कहा था कि हम अपील करेंगे तो जब तक अपील का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक हमें कुछ रूलिंग मानने की जरूरत है ही नहीं तो वही न्यूज़ वापस रिपीट की गई है तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू एंड डे